रणदीप सुरजेवाला। सभी साथियों से अपील है कि ये जो मीडिया के लिए रखी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने श्री रणदीप सुरजेवाला जी को उपचुनाव में उतारा है। जींद का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई भी चुनाव एक लोकतंत्र में अलग महत्व रखता है, चाहे उसको कुछ लोग या कुछ पार्टियां महत्वपूर्ण ना माने, लेकिन ये लोगों का हक होता है, लोगों का राइट है। उपचुनाव है, वो भी चुनाव की तरह है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। अपना नुमाइंदा चुनते हैं, उम्मीदें होती हैं, और सबसे ज्यादा जो किसी भी चुनाव का मुद्दा होता है वो विकास का मुद्दा होता है। और यह चुनाव इस नजरिए से एक अलग महत्व रखता है। इसके फौरन बाद आम चुनाव आ जाएंगे और लोग लेखा जोखा देखते हैं, मांगते हैं। यहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकर आए थे, बहुत सी बातें लोगों के सामने रखी थी, मुद्दे रखे थे, हरियाणा में भी, देश भर के सामने। लेकिन सभी कह सकते हैं, आम जनता कह रही है और मीडिया तो आम लोगों की आवाज को, उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है कि जितने भी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे सरकार में आने के बाद उन बातों को भूल गए हैं। और ये तो इनका एक मार्का है भारतीय जनता पार्टी का कि पुरानी बातों को, जो भी वायदे किए हों, उनको पीछे छोड़ें और लोगों को नई नई बातों में बरगला दें। विकास की बात को पीछे भुला दिया है। और बहुत ही दुख की बात है कि इस चुनाव को भी ये असली मुद्दों से हटाकर एक ऐसे स्तर पर ले आए हैं। जात पात की बात करें, मुझे जो कर्म भूमि मिली मैंने उसको सबसे बेहतरीन तरीके से संवारा। जो काम मिला मैंने वो काम सबसे बेहतरीन तरीके से किया। ये मेरा रिकॉर्ड है सार्वजनिक राजनीतिक जीवन का, लगभग 27 साल का। 51 साल की उम्र में लोग चुनाव लड़ना शुरू करते हैं, मैं 6 चुनाव लड़ चुका और ये मेरे सार्वजनिक जीवन का रिकॉर्ड है। जब हरियाणा की सरकार थी, आपने देखा सबसे बड़ा आंदोलन शायद जींद में हुआ। मैं आपको याद आज फिर दिलाता हूं, छोटा सा आंदोलन हुआ था जब अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। अजय सिंह चौटाला ने दस्तखत किए समझौते पर, आज भी याद है। और उसके बाद गुलकणी, भैंड और कंडेला में दर्जनों मारे पुलिस की गोलियों और घोड़े की टापों से 350 लोग। ये पूरी धरती आज भी जिनके बेटे और परिवार यहां चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी ये पूरी धरती उनके किए गए कर्मों के खून से लाल है। उसके बाद नरवाना जाकर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, वहां भी गोलियां चलवाई, कामयाब नहीं हुए। फिर जाकर उचाणा में कब्जा कर लिया, फिर लगा वहां भी कामयाब नहीं हो गए। तो अब घूमकर फिर पहिया वापस जींद पहुंच गए। फैसला आपको करना है, फैसला डब्बा वाले में नहीं होना, फैसला राजस्थान में भी नहीं होना, फैसला मेरे परिवार की भूमि के अंदर होना है, जहां संस्कार और संस्कृति मेरी रगों में दौड़ते हैं। इसलिए ये निर्णय भी आपको करना पड़ेगा कि हमें चुनना कौन है। और जब ये निर्णय हुआ
कि रणदीप तुमको जींद से चुनाव लड़ना है। सच बात है, मैंने चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने ये कहा भी पार्टी को, मैं तो पहले से विधायक हूं। आपके आशीर्वाद से जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने जबरन नरवाना से बदला लेने के लिए जीन 6 साल मुख्यमंत्री रहकर 6 रुपये उन्होंने जीन में लगाए नहीं, और जबरन मेरा इलाका 162 वोट से मेरी विधानसभा रिजर्व करवाई। हिंदुस्तान में सबसे कम वोटों से रिजर्व जो हो वो नरवाना का हल्का था। तो आप सारे जींद वाले, उछाणा वाले, नरवाना वाले उंगली पकड़कर आपने मेरे को, आप कैथल विधानसभा छोड़कर आए, और आपने सबको ये कहा, आज बहुत सारे साथी कैथल से भी आए हैं, नरवाना से भी आए हैं, कि आप हमारा जो अजीज है इसको आप अपना लीजिए और इसको अपना विधायक बनाइए। आज 10 साल के बाद मैं कह सकता हूं, एक सड़क का शहर था साहब, बीच में लाइन आती थी जैसे अपने आती है, पूरा शहर 10 साल के बाद आप जाकर पता कर लीजिए, आज कोई आपको उदाहरण नहीं देगा, कहेंगे कि ऐसा आदमी ना पहले आया था, शायद आगे आएगा या नहीं आएगा आगे का पता नहीं। केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं, मेरे ख्याल से अपने इस पूरे इलाका जिसे हम अर्बन स्टेट भी कह देते हैं और उसके साथ लगते सारे सेक्टर्स, ये उन मेहनतकश लोगों की आबादी यहां है जो शहर और गांव से बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना अपना पुश्तैनी पेशा भी कर लेते हैं खेतीबाड़ी का, परंतु एक और काम की तलाश में, कोई रोजगार की तलाश में, कोई दूसरे किसी छोटे मोटे व्यवसाय की तलाश में आए और उन्होंने जींद के इस इलाके को बेहतरीन भी बनाया, बसेरा भी बनाया। मैं आपको ये कह रहा था कि जींद के उपचुनाव का महत्व तो केवल एक विधायक का चुनाव नहीं, जींद का उपचुनाव उससे बहुत बड़ा है। विधायक तो आपके आशीर्वाद से मैं आज भी हूं, आपके आशीर्वाद से 25 साल पहले नरवाना जींद से आपने मदद करके बहुत सारे सैकड़ों लोग जींद विधानसभा से जाया करते, तब भी सारे बुजुर्ग यहां खड़े हैं, तब भी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ आपने मुझे विधायक बना दिया था 26-26 साल की उम्र में, और तब से आज तक आपके आशीर्वाद और कृपा से कभी मुड़कर नहीं देखा। और उसका कारण है, जब मैं इस मिट्टी के अंदर साहब, जब लोग तो कहते हैं इस मिट्टी में से संघर्ष पैदा होता है, कोई कहते हैं कि हमारी बोली करड़ी है, कोई कह देता है हमें हम अड़ब हैं, कोई कह देता है हमें हम भोले हैं, कोई कह देता है हमें हम सीधे हैं, पर इस मिट्टी की खुशबू जो है वैसी खुशबू कहीं देश और दुनिया में है नहीं। इस मिट्टी का संस्कार और संस्कृति जो है वो ऐसे संस्कार और संस्कृति शायद कहीं और है नहीं।